फाइनली दोस्तों हम बनारस आ चुके हैं, जो कि हमारी ट्रेन 4.5 घंटा लेट थी। अभी हो रहे हैं 6 बज रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है, हम बनारस आ चुके हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन तो अपने आप में एक खूबसूरत सा दिख रहा है, यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। तो महेश भाई पहले रूम लेते हैं, फिर चलते हैं दर्शन करने और रूम की तरफ प्रस्थान करते हैं हम लोग। हाँ, रूम देखते हैं और मैं एक बार आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का रेलवे स्टेशन। काफी लाइटिंग हुआ है दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है। जो फ्रंट कैमरे से अभी सही नहीं दिख रहा, मैं बैक से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बनारस शहर का ये गोदौली चौराहा है दोस्तों, जो काफी फेमस है। अगर बात करें दोस्तों तो चौराहे में काफी फेमस है ये, यहाँ का चाट काफी फेमस है दोस्तों। ये चौराहा वैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए, गंगा घाट जाने के लिए भी काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। इसे गोदौलिया चौराहा बोलते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा भी है, गोदौलिया टू व्हीलर पार्किंग। ये टू व्हीलर पार्किंग है जैसे आप देख सकते हैं, स्मार्ट सिटी का, और ये चौराहा है। अगर आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो इस साइड में पड़ेगा दोस्तों कैंट का, और इस साइड में दोस्तों चर्च पड़ेगा। और बात करें हमारे पीछे की तो दोस्तों इधर दाल मंडी पड़ेगी, नई सड़क पड़ेगी। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा चौराहा है, काफ़ी मस्त है, देख सकते हैं आप। काशी विश्वनाथ मंदिर के साइड के तरफ ये रास्ता गया हुआ है, जो हमें काशी विश्वनाथ मंदिर के साइड में जोड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते चलते हमें बाबा विश्वनाथ की गली दिख गई है, जो हमें मंदिर के तरफ ले जाएगी दोस्तों। तो पहले हम स्नान करेंगे घाट पे चलकर, दशोमेश घाट जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे पहले स्नान करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। यहाँ पर अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी है, वहाँ भी हम जाएंगे। तो आगे बृहस्पति मंदिर भी है, और दोनों तरफ की दुकानों की बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छी हैं। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन दोनों साइड का एक ही जैसा है, इस तरह ऐसा लगता है कि जैसे हम इंग्लैंड और लंदन आ चुके हों। यहाँ की सड़कें भी काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, और रोड के बगल बगल जो ये बैरिकेडिंग की गई है ये भी अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं आप चारों तरफ लाइटिंग होती दोस्तों तो काफ़ी और अच्छा लगता है यहाँ पर। तो चलते हैं दोस्तों, हम फाइनली दशमेश भवन पहुँचे हैं, जो अभी बनी रहा है दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी अच्छा बना रहे हैं मोदी जी यहाँ पर, चारों तरफ ये इसका नज़ारा है। और सामने दोस्तों दशमेश घाट मिल जाएगा आपको, सामने दिख रहा होगा, यहीं पर गंगा आरती होती है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर जब शाम को यहाँ पर आरती होती है। तो अभी लाइटिंग की बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन उतनी लाइटिंग है नहीं घाट पे, एक और भी अच्छा लगता है, देखने में सुंदर है। तो यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे दोस्तों और चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। तो यहाँ पर अभी उतनी भीड़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम सुबह सुबह आ चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर घाट वगैरह में, जब यहाँ पर बाढ़ आती है दोस्तों तो ये सारे पिलर जितने हैं ये सारे डूब जाते हैं, काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता है बात करें तो, और सारी सीढ़ियाँ ये डूब जाती हैं। अभी तो काफ़ी नीचे है पानी का स्तर, और नाव की बात करें दोस्तों तो नाव भी काफ़ी है यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप ऊपर भी देख सकते हैं और यहाँ भी नीचे भी देख सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है, बनाया गया हुआ है। तो लोग स्नान कर रहे हैं, तो दोस्तों स्नान वगैरह कर लिया है, अब हम चलेंगे पंडित जी से तिलक वगैरह लगवाएंगे, फिर चलेंगे मंदिर की तरफ। तो चलते हैं, पहले तिलक लगवाते हैं। श्री चंद्र महापूर्णम पवित्रम पापनाशनम मापदा हरते लक्ष्मी नित्यं वसत सर्वदा गंगा मैया बाबा विश्वनाथ, मनोकामनाएं पूर्ण करें सर्वदा सुखी रखे, जैसे गंगा मैया में जल भरा है सर्वदा हरा भरा परिवार रहे,
बाबा विश्वनाथ मनोकामनाएं पूर्ण करें सर्वदा सुखी रहें। श्री चंद्रद महापुरम पवित्रम पापनाशनम मापदाहर्ते लक्ष्मी नित्यं। सुबह का यह भव्य नजारा आप देख रहे हैं बनारस से लाइव काशी विश्वनाथ मंदिर से, और हम आ चुके हैं इस समय बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के पास जो नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया था। काफ़ी भव्य है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, इसे ललिता घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो काफ़ी लाइटिंग भी अच्छी है सुबह के इस समय दोस्तों, 5:30 या 6 के करीब होंगे दोस्तों, तो काफ़ी मस्त लाइटिंग है। और ये पिलर टाइप के क्या लगाए गए हैं अभी तो हमें जानकारी है नहीं, बट बताएंगे। और घाट की बात करें दोस्तों तो काफ़ी खूबसूरत बनवाया गया है। जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो यहीं पर स्नान करते हुए वो अंदर आए थे, ऊपर आए थे, और फिर वहां से वैसे होते हुए सीधा मंदिर को गए थे। तो दोस्तों यहां पर बैग वैग भी जमा करने की सुविधा है जो आगे अभी हम आगे आपको बताएंगे, काफ़ी अच्छा। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हुआ। गरिमामय उपस्थिति आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे दोस्तों। 13 दिसंबर 2021 को इसका लोकार्पण हुआ था दोस्तों। काफ़ी भव्य है गेट नंबर 1 से। इसी घाट के जस्ट बगल आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये शमशान भूमि जो इसी ललिता घाट के जस्ट बगल है। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक झुका हुआ ये मंदिर है, महादेव झुका हुआ जो झुकी हुई है ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा, काफ़ी मंदिर बढ़िया था लेकिन उसका गेट कभी खुल नहीं पाया दोस्तों, तो झुकी हुई मंदिर है वहाँ पर। तो दोस्तों अब हम चलेंगे मंदिर पर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मंदिर काफ़ी खूबसूरत है देख सकते हैं। तो हम कॉरिडोर में चलेंगे, यहाँ पर मोबाइल मुफ्त में जमा होते हैं दोस्तों, लेकिन बड़ा बैग नहीं जमा होगा, छोटा बैग यहाँ पर जमा हो जाता है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर जमा करते हैं अपना मोबाइल और बैग। तो दोस्तों हम कॉरिडोर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ पर फ्री लॉकर की सुविधा इधर है दोस्तों। तो हम पहले अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पर जमा कर दें। बहरहाल अंदर का दृश्य हम आपको दिखा दे रहे हैं जो काफ़ी भव्य है। और गंगा दर्शनम में ये यहाँ पर हम गैलरी है, यहाँ पर लॉकर रूम, मोबाइल निःशुल्क जमा होते हैं। तो दोस्तों हम अपना मोबाइल यहाँ पर जमा करेंगे दोस्तों। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे कॉरिडोर की तरफ तो हमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा दिखेगी और त्रिम्बकेश्वर भवन दिखेगा। और यहाँ पर इंडक्शन दिया गया है कि मंदिर परिसर किधर है, घाट किधर है। तो दोस्तों हम चलेंगे अभी मंदिर परिसर की तरफ। ऊपर आने पर दोस्तों हमें मंदिर दिखने लगा है और काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पर आगे हमें शोभनाथ मंदिर दिखा हुआ है दोस्तों, शोभनाथ भवन दिखा, सॉरी शोभनाथ भवन है ये मंदिर, तो गुजरात में शोभनाथ। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी दोस्तों। यहाँ पर सर सफाई की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, हमेशा यहाँ पर झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाया जाता है। तो बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें एक भारत माता का मंदिर दिखा है जो काफ़ी अच्छा लगा, ये यहाँ पर सबसे बढ़िया लगा, भारत माँ का मंदिर बनाया गया हुआ यहाँ पर। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नीम के पेड़ लगाए गए हैं, काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और रामेश्वरम भवन है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रामेश्वरम भवन। और बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह हमेशा लगाया जाता है, ये अमृत भवन है। और मंदिर परिसर में जाने का रास्ता जैसे कि बताया गया है इंडक्शन में। और इधर गिशड़ेश्वर भवन है देख सकते हैं आप, और सामने ठीक आपको दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, इसमें पीला झंडा लहरा रहा है। और ये इसका गेट है दोस्तों, इसके आगे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो आगे का वीडियो शायद हम ना दिखा पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे जहाँ तक मोबाइल हमारी जाती है वहाँ तक हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। गेट के बगल से दोस्तों यहाँ पर एक रास्ता है, तो हम इस रास्ते से चलेंगे मंदिर की तरफ। तो यहाँ भी अभी अलाउ है,
चेकिंग के दौरान दोस्तों हमें पता चला कि आप मोबाइल अंदर ले जा सकते हो, लेकिन लीड और जो माइक होता है वो सब यहाँ पर अंदर लाना अलाउ नहीं है, तो हम वो नहीं ला पाए, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ में थोड़ा आपको गड़बड़ी दिख सकती है। बहरहाल चलो ठीक है, मंदिर में हम आपको दर्शन करा सकते हैं। अब तो चलते हैं जहाँ तक मोबाइल जाता है, बोले कि आगे जमा हो जाएगा, तो हम आगे देखते हैं कहाँ जमा होता है। दोस्तों दोस्तों हम मंदिर आ चुके हैं, और मंदिर में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जूता स्टैंड है, यहाँ पर जूता जमा कर सकते हैं अपना फ्री में। जूता जमा करने के बाद दोस्तों यहाँ से लाइन लगाएं और यहाँ से एंट्री होगी, आप एंट्री करके अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है मंदिर परिसर में, पेन कैमरा मोबाइल घड़ी ले जाना मना है दोस्तों, तो हम ले जा नहीं सकते, तो हमारी वीडियो यहीं पर अंत करनी पड़ेगी दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये गंगा द्वार है दोस्तों, यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं आप बाबा विश्वनाथ जी का, जो काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। यहाँ तक की वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं थे, और यहाँ तक मैंने आपको दिखाया, जो काफ़ी अत्यंत खूबसूरत काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की नगरी, और यहाँ तक ला सकते हैं आप। और अंदर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर दूध की भी व्यवस्था है, प्रसाद की भी व्यवस्था है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। दूध 10 रुपये में मिलता है, प्रसाद की बात करें दोस्तों तो 100 ग्राम 50 रुपये का, 200 ग्राम 100 रुपये का, और 400 ग्राम 200 रुपये का है दोस्तों, जो यहीं पर मिल जाएगा आपको आसानी से। बात करें दोस्तों तो लॉकर की, तो दोस्तों वहाँ पर टिकट काउंटर और लॉकर दोनों मिल जाएंगे आपको, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ इसमें, यहाँ पर लाकर जिसमें मोबाइल जमा करके आप जा सकते हैं अंदर, और टिकट भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रसाद हो गया या वीआईपी दर्शन हो गया, रुद्राभिषेक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं खोया पाया केंद्र भी है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है, इसलिए इस बैरिकेडिंग को एक बगल रखा गया हुआ है, नहीं तो इसका प्रयोग करके अंदर जाते हैं सभी लोग। तो मंदिर परिसर काफ़ी अच्छा और भव्य बन गया है, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों ये गेट की बात करें नंबर 1 की, तो ये हमें ललिता घाट की तरफ निकालता है, और गेट नंबर 2 की बात करें जो सामने दिख रहा है दोस्तों, तो ये हमें दशोमेश घाट की तरफ निकालता है, और 3 नंबर की बात करें दोस्तों तो ये हमें निकालेगा जिधर हमारा शमशान घाट है उस साइड में, और पीछे की बात करें दोस्तों तो वो अन्नपूर्णा मंदिर जो कि इस साइड में है, जहाँ पर हम कैमरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अन्नपूर्णा माता मंदिर दिख रहा होगा आपको उस साइड में, 4 नंबर गेट निकलेगा दोस्तों। तो ये हमारी वीडियो में इतना ही, तो अगर अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। काफ़ी भव्य नज़ारा दिख रहा है दोस्तों, काफ़ी सुंदर है यहाँ से। और मस्जिद की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे वो मस्जिद है जो विवादित मस्जिद है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, इसका दृश्य काफ़ी अच्छा है। और इधर देखें बात करें दोस्तों तो इधर दुकानें खुलने वाली हैं जो भविष्य में खुलेंगी दोस्तों।